और छोटी मोटी चढ़ाइयों के बाद इनको किलिमंजारो का मौका मिला जो 19,300 फीट से ऊंची की चोटी है, तो ये गई और कई लोग थे भारत से उसमें, कि दो ही लोग सफल हुए, एक ये हैं और एक उड़ीसा की बेटी है। आज जो भी सफलता प्राप्त हुए सर के कारण हुए हैं, इसमें सर की बहुत बड़े योगदान है। शुरू से मैंने तो सिर्फ मेहनत किया और सारा सब कुछ सर ही किया है। तिरंगा झंडा वहाँ फहरा के आए हैं। फिर मेरा समिट है ब्लैक पीक और सतोपंथ, उसके बाद मैं एवरेस्ट के लिए अगले साल रेडी होंगे। ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि बिहार की बेटी, सहरसा के बनगांव की रहने वाली, पली बड़ी, वैसे पूर्णतः शिक्षित, इसने स्नातकोत्तर भी किया है, एमए भी है ये, लेकिन इसको अखबारों में जब पढ़ा इसने कि हरियाणा की अनीता कुंडू को मैंने एवरेस्ट के पर्वतारोहण के लिए प्रेरित किया, मदद की, तो ये भी आई मेरे पास कि मैं भी चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि मेहनत करोगी तो हो सकता है, तो उसके लिए पहले आपको प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। तो प्रशिक्षण में NIM में काफ़ी दिक्कत होती है एडमिशन में, लेकिन इनका किसी तरह से एडमिशन कराया गया। ये देहरादून में हमारे पास करीब महीने भर से ज़्यादा बैठी नहीं जब तक एडमिशन नहीं हुआ, फिर इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया और छोटी मोटी चढ़ाइयों के बाद इनको किलिमंजारो का मौका मिला जो 19,300 फीट से ऊंची की चोटी है, तो ये गई और कई लोग थे भारत से उसमें, कि दो ही लोग सफल हुए, एक ये हैं और एक उड़ीसा की बेटी है, उड़ीसा से गई थी, तो ये दो लोग सफलतापूर्वक उसको तिरंगा झंडा वहाँ फहरा के आए हैं। वो भी आपको चित्र शेयर किया जाएगा, अगर आपको चाहिए तो उसको अभी हम दे देंगे उसको। तो इस तरह से ये आगे बढ़ते रहें और ये अगली बार एवरेस्ट जाएं, एवरेस्ट करके आए, यही मेरी शुभकामना है और यही इनको आशीर्वाद है मेरा। जो भी मदद होगी मैं करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो भी सफलता प्राप्त हुए सर के कारण हुए हैं, इसमें सर की बहुत बड़े योगदान है। शुरू से मैंने तो सिर्फ मेहनत किया और सारा सब कुछ सर ही किया है अभी तक, और अभी एडवांस कोर्स और बहुत सारे कोर्स अभी बाकी है ट्रेनिंग, मैं जा रही हूँ फिर करने के लिए। उसके बाद फिर मेरा समिट है ब्लैक पीक और सतोपंथ, उसके बाद मैं एवरेस्ट के लिए अगले साल रेडी होंगे। और अच्छा, क्या कहेंगे जो और भी लोग आपसे देख के, आपको देख कर प्रेरित होगी, उनको किस तरह का सीख लेना चाहिए आपसे? नहीं, लाइफ जीवन में आप कुछ भी ठान लेना करने की कोशिश करें तो वो आपके ये आपकी कमजोरी, मतलब आपकी जैसे कि किसी को फंड की, पैसा की कमी, तो वो आरे नहीं आते हैं, क्योंकि होता है कोई ना कोई आपकी सपोर्ट के लिए आ ही जाता है। अभी आप कहीं जॉब भी कर रही है? नहीं, लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।